नमस्कार, मैं हूँ भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ठीक दीपावली से पहले मंगलौर के भीड़भाड़ वाले इलाके में मिठाई की दुकान में गैस का सिलेंडर फटने से पूरी दुकान धराशायी हो गई, जिसकी चपेट में दुकान के अंदर बैठे लोगों के साथ साथ आसपास से गुजर रहे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा आज दोपहर 1 बजे के करीब हुआ। मंगलौर के जैन स्तंभ के निकट बालाजी स्वीट्स के भीतर रखे गैस सिलेंडर में तेज धमाका हुआ और उसके बाद भीड़ भरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ से माहौल दहशतनुमा हो गया। इसके बाद घायलों को मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें अधिकतर घायल मंगलौर आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इस भयानक हादसे से मंगलौर घटनास्थल से लेकर रुड़की सिविल अस्पताल तक लोगों का हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि राहत कार्य लगातार जारी है और घायलों को लगातार अस्पताल भेजा जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर के लिए भी रेफर किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल के पिता ने बताया कि मंगलौर का रहने वाला है, उसका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटनास्थल पर SSP हरिद्वार समेत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं। हरिद्वार से अर्चना धींगरा, सब एडिटर हिंदुस्तान न्यूज 24 की खास खबर। प्रार्थना करता हूं, जो घटना घटी है ये बड़ी दुख और चिंता का सवाल है, चिंताजनक है। प्रशासन अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं जांच करें कि सिलेंडर कौन सा था। कॉमर्शियल सिलेंडर सबको यूज करना चाहिए और उसको सिलेंडर को देखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अधिकारी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। जैसे अब शादी का सीजन आएगा, शादी के सीजन में जब हमें अलाउ कॉमर्शियल सिलेंडर कर रहे हैं तो हम घर वाले सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कभी कोई चेकिंग ही नहीं होती, कभी फार्म हाउस में कोई चेकिंग ही नहीं होती। ये चिंता का बड़ा सवाल है। ये घटना तो हम कई साल से उठाते आ रहे हैं कि घटना ना घटे, क्योंकि घटना घटती है प्रशासन की लापरवाही से। ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए और जो इस घटना में भगवान से प्रति एक दिवाली स्वरूप मेला आ रहा है, पर्व है हमारा, इसमें जो एक घटना घटी है ये बाकी दुखद और चिंता का विषय है, क्योंकि त्योहार के मौके पे किसी का जाना बड़ा दुखदायी होता है। क्या मानते हैं प्रशासन की? प्रशासन की चूक है, प्रशासन लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन कभी भी अपनी जिम्मेदारी समझ के व्यवस्था नहीं बनाता। व्यवस्था वहां बनती है जहां कालाबाजारी होती है। अगर प्रशासन शासन सही समय पे जांच करें और इनको दुकानदारों को जो भी काम करते हैं उन्हें बताएं, उनको मोनोपोली बना के दें कि इस पे आपको काम करना, उसका सर्वे करें हर महीने, तो जब जाके समाज जागृत होता है। प्रशासन के में बहुत लापरवाही है और मैं कठोर से कठोर प्रशासनों का, अधिकारियों का निंदा करता हूँ। देखिए, श्री बालाजी स्वीट भंडार है इधर जो मंगलोर कस्बे में जो है, यहाँ एक सिलेंडर ब्लास्ट का सूचना मिली थी। फोर्स तुरंत मौके पर पहुँच गया था। अभी यहाँ जो भी लोग थे सबका जो है हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक व्यक्ति बेसमेंट में फंसा था, हमारा फायर सर्विस और पुलिस टीम संयुक्त रूप से प्रयास करके जो है उनको भी शक से निकाल कर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो अभी तक कोई कैशुअल्टी नहीं है। अभी लगभग 20 लोग का घायल है, बहुत सारे लोगों का हल्की चोट है। अभी बाकी 10 लोगों का जो है सिविल हॉस्पिटल रूक के रेफर किया है, उनका हालत के बारे में लगातार हम जानकारी ले रहे हैं। उस बारे में अभी हमने फोन से टीम को भी बुला रखा है, हम लोग घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। जैसा तत्व सामने आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिवाली का टाइम है, ऐसे में दुकानदार ये इस हादसे के बाद दुकानदार से क्या कहना चाहेंगे कि जो आगे बड़ा हादसा? कुल सभी दुकानदार का हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार का नियम है सिलेंडर रखेंगे तो उसका पूरा नियम का पालन करना चाहिए, ताकि जो इस टाइप का घटना ना घटे। हम इससे जो है और सख्ती से जो है अभी DM से भी बात करके संबंध विभाग के साथ मिलकर जो है इसका सख्ती से हम इम्प्लीमेंट करेंगे।